करने के लिए ऐसे कौन से कदम सरकार के द्वारा उठाए जाने चाहिए कि वो महफूज फील करे? देखो, ये तमाम जो किडनैपिंग हो रही है ये पाकिस्तानी फॉरेन टेररिस्ट के इशारे पर हो रही है। इसके पीछे तमाम साजिश पाकिस्तान की है। पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा है, हिंदुस्तान के पास हर प्रकार के ओवर्ट एंड कोवर्ट मीन्स हैं कि पाकिस्तान में जो टेररिस्ट अकज हैं हाफिज सईद को, लखवी को, मसूद अज़हर को ख़त्म करने का। अभी हमको कोवर्ट और ओवर्ट मीन्स इस्तेमाल करने हैं। इलेक्शंस के दौरान वो बड़े पैमाने पर वल्नरेबल हैं। पाकिस्तान के सिंध के लोग, बलूचिस्तान के लोग, पीओके के लोग, गिलगित बल्तिस्तान के लोग आपके बिहाफ पर ये कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं। उनको पैसा चाहिए और सरकार को हर प्रकार से उनको पैसा दिए मुहैया किया जाए। फॉरेन एजेंसी हैं जो आपके लिए कार्रवाई करना चाहते हैं कि हाफिज सईद जैसे को परमानेंटली साइन किया जाए। अभी सरकार को ये फैसला ले लेना चाहिए कि इनको ख़त्म किया जाए। दूसरा, जब आदमी छुट्टी पर जाता है, औरंगज़ेब जो है वो वास्तव में अपनी गर्लफ्रेंड को मिलने जा रहा था। SOPs बड़े क्लियर हैं कि जब जाता है तो कैसे जाना है और किस प्रकार की ट्रांसपोर्ट में जाना है। उसने प्राइवेट ट्रांसपोर्ट, और वो गर्लफ्रेंड को मिलने जा रहा था और गर्लफ्रेंड को पकड़ा गया। उसने इंटरोगेशन के दौरान उसको बता दिया कि वो आज उसको मिलने आ रहा है। उसके लिए ट्रैप लगाया गया, जो दूसरे को अहमद दर को किया, अहमद दर ने भी वो जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं उनका उल्लंघन किया। फौज ने हर प्रकार के और पुलिस ने प्रिकॉशंस बना रखे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आतंकवादी इस मसले की कार्रवाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ और कदम उठाने हैं। जैसे कि मैंने कहा, इन सब के पीछे विद इन द वैली कुछ और ताकतें हैं जिनके इशारे पर होता है। उनको पैसे दिए जाते हैं कि अगर वो किसी भी फौज के जवान को किडनैप करके मार लेते हैं या उसका इतना नाम मिलेगा, उससे कम मिलेगा उसका वेपन छीनने का, उससे कम मिलेगा पेट्रोल बम फेंकने का, जली बम फेंकने का, ग्रेनेड फेंकने का, और लास्ट में सबसे कम पत्थरबाजी। ये सारे के सारे पैसे लेके होता है, और पैसा कौन दे रहा है ये सरकार जानती है, लेकिन उसके बावजूद हम उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं ले रहे। और जब पहले PDP की सरकार थी उसकी सिंपथी थी इन लोगों की तरफ, अपीजमेंट पॉलिसी थी, वो वोट बैंक को निगाह में रख के फैसले लेते थे, गैलरी को निगाह में रखते थे। महबूबा की सारी सीट्स जो थी 28 की 28, तकरीबन 80-90% साउथ कश्मीर में से आई थी। वो कोई भी एक्शन नहीं लेना चाहती थी अगेंस्ट द पोटेंशियल वोट बैंक, क्योंकि उसका फ़ायदा NC को होना था। और कश्मीर के सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि ये दो परिवार जो हैं, अब्दुल्ला और मुफ्ती, इनके समय ही तकरीबन 50-60 साल में इतनी ज़्यादा करप्शन रही, वहाँ इंसेंसिटिविटी रही, किसी प्रकार की रोज़गारी के साधन नहीं जुटाए गए, लोगों को जिस माफिक साथ लेके चलना था वो नहीं चला, हेल्थ केयर को, एजुकेशन को जिस माफिक का उछाल देना था वो नहीं दिया गया। इसकी कीमत अभी बाकी देश चुका रहा है। अभी समय आ गया कि अच्छी से अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन दी जाए, लोगों का दिल दिमाग विश्वास जीतने की कोशिश की जाए जो की जा रही है, और हर प्रकार के पॉलिटिकल इनिशिएटिव्स उठाए जाएँ। साथ ही साथ जिनको वहाँ पोस्ट किया जा रहा है इस समय सिविल सर्विसेज के, वो ऐसे होने चाहिए जो गुड गवर्नेंस में बिलीव करो, जिनके पब्लिक इंटरेक्शन बड़े उच्च दर्जे के हों, जो लोगों के ग्रीवियंस को सुने और उनको जल्दी से जल्दी ठीक करने का कोशिश करें। तो ऐसे में ही आप लोगों का दिमाग और विश्वास जीत सकोगे। आप इसमें पूछते हो फिर किसके क्वेश्चन का जवाब देंगे?